नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। दरअसल मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। आपको बता दें कि एक और बिल्डिंग गिराने की यहां पर कार्रवाई की गई है, जो लखनऊ का हजरतगंज है, वहां पर जो रानी सल्तनत बिल्डिंग थी उसको गिराने का काम सुबह शुरू हो गया था, जिसे अब गिरा दिया गया है। LDA के प्रवर्तन दस्ते ने सुबह 7 बजे से बिल्डिंग गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। हजरतगंज में रानी सल्तनत प्लाजा बिना नक्शा पास करके बनाए जाने का आरोप है। रानी सल्तनत को मुख्तार अंसारी की सल्तनत कहा जाता है। सुबह अवैध निर्माण गिराने के लिए प्राधिकरण का बुलडोजर यहां पर पहुंचा था, जिसके बाद अब बिल्डिंग को गिराया गया है। प्राधिकरण के जोन 6 हजरतगंज गांधी आश्रम के बगल में अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया है। संयुक्त सचिव ऋतु सुहास, अधिशासी अभियंता कमलजीत, अवर अभियंता भरत पांडे, अवर अभियंता नित्यानंद चौबे और सहायक अभियंता NS शाके की टीम मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद इस बिल्डिंग को गिराने का काम यहां पर शुरू किया गया है। तो यूपी सरकार ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि चाहे अपराधी कोई भी हो, चाहे गुनहगार कोई भी हो, बदमाशों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुप जी, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं योगी सरकार साफ तौर पर संदेश दे रही है कि चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, जितना बड़ा भी गुंडा होगा कार्रवाई होगी उस पर भी। बिल्कुल सोहन, योगी सरकार का बिल्कुल आदेश पूरा सबको अधिकारियों को मिला हुआ है कि किसी भी तरह की अवैध जो बिल्डिंग है, साथ में जो खासतौर से माफियाओं की अवैध बिल्डिंग है, उनको हर हाल में गिराया जाएगा। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि खास तौर से मुख्तार अंसारी के पीछे योगी सरकार बिल्कुल जैसे कहते हैं कि हाथ धोकर पड़ी हुई है। आज सवेरे ही LDA का जो प्रवर्तन दस्ता है वो आया और इनकी जो अवैध बिल्डिंग एक है, रानी सल्तनत बिल्डिंग जिसे कहते हैं, उसकी 4थी मंजिल पे कम से कम 10 दुकानें उसकी बाकायदा तोड़ दी गई हैं। और ये बिल्कुल पॉश इलाका है, बिल्कुल हजरतगंज का जो इलाका है, साउथ सिनेमा के बगल में जस्ट वो बिल्डिंग बनी है, वो बिल्डिंग पे आज जो 4था फ्लोर है उस पे 10 दुकानें थी, वो 10ों दुकानें आज हथौड़ा मार के तोड़ दी गई हैं। LDA की कार्रवाई हुई है। जी सोहन, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि विरोधी जो हैं वो लगातार योगी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहते हैं, इस बार भी सवाल उठा रहे हैं कि जो योगी सरकार है वो स्पेसिफिक कार्रवाई करती है, बड़े नाम तो और भी हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, मुख्तार अंसारी पर ही कार्रवाई क्यों की गई है, इसको लेकर के किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये विपक्षी पार्टियां तो खैर आरोप प्रत्यारोप तो करती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुख्तार अंसारी का नाम तो आप देश जानता है, खासतौर से यूपी जानता है कि मुख्तार अंसारी पे कितने आपराधिक मामले हैं और कृष्णा नंद की हत्या में भी वो अंदर बंद भी चल रहे हैं, जो इस समय पंजाब सरकार में चले गए, पंजाब में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो मुख्तार अंसारी तो इस समय हाईलाइट है बिल्कुल। और योगी सरकार का ऐसा नहीं है कि योगी सरकार का सिर्फ इन पे ही, अभी बीजेपी के विधायक है उनके ऊपर भी हंडा चला है, बाकायदा उनकी अवैध बिल्डिंग गिराई गई है। तो ऐसा नहीं किसी एक तरफा कार्रवाई हो, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि मुख्तार अंसारी के पीछे बेशक योगी सरकार पड़ी हुई है। और जैसे एक और नाम है साथ में अतीक अहमद, वो भी जाने माने जैसे कहा जाए कुख्यात माफिया है, तो उनके पीछे भी अभी उनके कितने करोड़ों की संपत्ति उनकी ढाई गई है। तो साथ में मुख्तार अंसारी हैं और भी दूसरे माफिया गिरोह हैं, तो इन पे लगातार शिकंजा योगी सरकार कसती जा रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी का राजनीतिक एक पहलू भी है, जो बसपा की तरफ से ये चुनाव भी लड़े थे बाकायदा, उनके पीछे बेशक योगी सरकार पीछे पड़ेगी और पढ़ना भी चाहिए, लेकिन इनका आपराधिक लंबा इतिहास रहा है। और समय आप जानते हैं कि पंजाब सरकार से इनके यूपी सरकार का कितना बड़ा मतभेद चल रहा है कि पंजाब से यूपी में लाने के लिए कवायद भी चल रही है पूरी तरीके से। जी सोहन, अच्छा आपने पंजाब सरकार से मतभेद की बात की है, उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर फेहरिस्त देखें जिन पर कार्रवाई की जा रही है वो बड़ी लंबी है। आपने अतीक अहमद का नाम लिया, उसमें मैं एक नाम और विजय मिश्रा का नाम जोड़ना चाहूंगा। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार एक तरफ से साफ तौर पर संदेश दे रही है कि जो बदमाश हैं उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, अगर बदमाशी करेंगे तो फिर कार्रवाई जरूर होगी। चलिए पंजाब को लेकर के आपने जिक्र किया था, आखिर पंजाब से यूपी लाने में दिक्कतें क्यों आ रही है? कहीं कांग्रेस ज्वाइन तो करने वाले नहीं है अब जो मुख्तार अंसारी हैं, क्योंकि पंजाब सरकार तो बिल्कुल सौंपने का नाम नहीं ले रही है। देखिए पंजाब सरकार, पहली बात तो मैं बताऊं कि मुख्तार अंसारी यूपी आना क्यों नहीं चाह रहे हैं, इसमें बात वही आती है जो जुमला प्रसिद्ध है पूरे देश में कि यहाँ गाड़ी पलटने का खतरा रहता है। तो आप समझ सकते हैं लगातार मुख्तार अंसारी योगी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि यूपी की जेल में उन्हें जान का खतरा है, उन्हें मरवाया जा सकता है।
ठीक है, इसी वजह से वो पंजाब को ट्रांसफर हो चुके थे, लेकिन पंजाब से यहाँ आने में मुख्तार का डर सबसे बड़ी वजह है। वो डर इस बात का है कि उन्हें अपनी जान का खतरा है। इस बात की जो शिकायत है वो बार बार कोर्ट में भी रखा जा रहा है, कोर्ट में भी बहस चल रही है, ये तो कोर्ट के संज्ञान में है, कुछ नहीं कह सकते अभी हम, लेकिन मुख्य खतरा जान का यहाँ बना हुआ। अच्छा, दूसरी बात है कि पंजाब यहाँ पंजाब सरकार यहाँ इनको ट्रांसफर क्यों नहीं कर रही है, तो ये बात को फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच का मतभेद है ये कि कांग्रेस से जो रिश्ते हैं, कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी के काफी अच्छे हैं, खासतौर से कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी उंगलियां उठती रही हैं कि उनसे भी इनके जो मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं उनके संबंध काफी अच्छे हैं, इसी वजह से पंजाब सरकार में इनका ट्रांसफर भी हुआ था और वहां से नहीं आ रहा है, तो संबंधों की एक बात आ रही है बीच में। जी सोहन, अच्छा एक और चीज मैं आपसे आखिरी सवाल लूंगा, ये अब आगे चुनाव भी हैं, कितना असर देखते हैं आपका इसका चुनाव पर, क्योंकि लगातार आरोप भी ये लगते रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी पर जो कार्रवाई की गई है वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात भी निकलकर सामने आती है, इस तरह के आरोप भी लगातार लगते रहे हैं, तो आपसे समझना चाहूंगा कि जो आगे चुनाव होने हैं उस पर कितना असर पड़ेगा इसका। देखिए, मैं नहीं समझता कि चुनाव पे इतना असर आएगा क्योंकि जनता समर्थक हो चुकी है, लेकिन हाँ बेशक जो विपक्षी पार्टियां इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश लगातार कर रही हैं, करती भी रही हैं, आगे भी करती रहेंगी कि आखिर सिर्फ मुख्तार पे ही कार्रवाई क्यों है अखिल पे, लेकिन ऐसा नहीं है, दूसरे भी जो जिन्हें आप हिंदू कह सकते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई माफिया हैं जिनको योगी सरकार ने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि हाशिए पे डाल दिया या उनको जेल पे अंदर कर दिया, उनके अपने ही एक विधायक है, चर्चित विधायक है, उनको उनके पीछे भी योगी सरकार पड़ी, अपने विधायक के पीछे पड़ गई थी, वो भी माफिया में नाम उनका आता है। तो कहने का मतलब इतना है कि आप योगी सरकार सबको एक नजर से देखने की कोशिश कर रही है कि आपकी सरकार हो, मुख्तार हो, यातीक हो, या अपने भी दो बीजेपी के ऐसे विधायक है जिनके माफिया संबंध है, जिनको माफिया भी है, जिनके लिए सारी चीजें योगी सरकार ने उनकी संपत्तियां जब्त की है, उनकी बिल्डिंगें गिराई है और बाकायदा उनको जेल के अंदर रखा गया है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ विपक्ष है, विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करेगा और करना भी चाहिए क्योंकि वो विपक्षी पार्टियां हैं, तो वो सांप्रदायिक रंग इसको देने की कोशिश कर रही हैं। अब चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन हाँ बेशक विपक्षी पार्टियां इसको सांप्रदायिक रंग तो दे ही रही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारी के साथ करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यूपी सरकार का संदेश साफ है कि अगर कोई भी हो अगर बदमाशी करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साफ तौर पर, चाहे आप अपनी खुद की पार्टी के क्यों न हो, चाहे बीजेपी के हों, बीएसपी के हों, समाजवादी पार्टी के हों, लेकिन अगर आप बदमाशी करेंगे तो उत्तर प्रदेश में आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, साफ तौर पर संदेश दिया है। कहीं ना कहीं एक तरफ यूपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो कानून व्यवस्था है जिसको लेकर के लगातार विरोधी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं उत्तर प्रदेश में, उसको सही किया जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो ये कार्रवाई अब मुख्तार अंसारी पर हुई है उसका आगे जो चुनाव आने हैं उस पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं अनुप शुक्ला, वो बता रहे थे कि इसका असर इतना ज़्यादा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यूपी सरकार ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि यूपी में बदमाशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त।